दूसरी लहर से अभी देश उबरा भी नहीं है और तीसरी लहर की चेतावनी जारी हो चुकी है। कैसे और कब आएगी तीसरी लहर और इस लहर से कितना नुकसान हो सकता है, आइए देखते हैं सरकार तीसरी लहर को लेकर क्या कर रही है। वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित किए जा चुके डेल्टा वेरिएंट और कोरोना की तीसरी लहर को लेकर सरकार ने कुछ बातें साझा की हैं। कोविड टास्क फोर्स के चीफ डॉक्टर वी के पॉल ने कहा है कि तीसरी लहर का आना या न आना हमारे हाथ में है, इसमें ओवरऑल डिसिप्लिन मायने रखता है। उन्होंने कहा कि देश में मौजूद डेल्टा वेरिएंट का अप्रत्याशित व्यवहार भी महामारी की तस्वीर को बदल सकता है। तीसरी लहर पर सरकार ने तीन पॉइंट रखे हैं। डेल्टा प्लस वेरिएंट पर और स्टडी की जरूरत है, इसके आने की तारीख तय करना सही नहीं होगा और लहर कितनी बड़ी होगी ये हमारे व्यवहार पर निर्भर करेगा। डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामले देश में 12 राज्यों में सामने आए हैं। अभी तक ऐसा कोई साइंटिफिक डेटा हमारे पास मौजूद नहीं है जिससे ये साबित होता हो कि डेल्टा प्लस वेरिएंट वैक्सीन की क्षमता को कम करता हो। इस पर अभी और स्टडी की जरूरत है, लेकिन राज्य सरकारों ने तीसरी लहर के मद्देनजर तैयारियां तेज कर दी हैं। आज तक ब्यूरो। हमारे लिए वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।